आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज, बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। रजनी तिलक एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता के अलावा अच्छी लेखिका एवं वक्ता थी। इनके वक्तव्य में सावित्री बाई फूले बार बार आती थीं। महिला आंदोलन की सशक्त आवाज थीं। रजनी तिलक को डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी ने बड़े ही नज़दीकी से जिस प्रकार देखा और महसूस भी किया, उससे अवगत कराने के लिए मैंने करदम जी से अनुरोध किया। उन्होंने मेरा अनुरोध स्वीकार करके जो बोला, आइए सुनिए। रजनी तिलक के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि वह एक बहुत अच्छी एक्टिविस्ट थी। उनका वामपंथ आंदोलन के साथ में, मार्क्सवादी आंदोलन के साथ में और अंबेडकरवादी आंदोलन के साथ में भी गहरा जुड़ाव था। बल्कि ये भी कह सकते हैं कि वो दोनों विचारधाराओं के बीच एक पुल का काम भी कहीं ना कहीं करती थी कि उनके जितने अच्छे रिश्ते या जितनी उनकी अच्छी एक जगह उनकी अंबेडकरवादी आंदोलन में एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में थी, तो मार्क्सवादी आंदोलन में भी उनके अच्छा उनका एक नेटवर्किंग थी और उनका अच्छा एक उनका लोगों के साथ परिचय और तालमेल था। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो मैं रजनी तिलक का काम मानता हूँ वो ये कि हमारे यहाँ हिंदी पट्टी में सावित्री बाई फूले को परिचित कराना। सबसे पहले उन्होंने सावित्री बाई फूले की मराठी में लिखी हुई एक छोटी सी जीवनी, उसका अनुवाद कराया शेखर पवार से और फिर उसको संपादित करके उन्होंने उस पुस्तिका को प्रकाशित कराया। तो उसके जरिए हमारे यहाँ लोगों ने उसको सावित्री बाई फूले के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया और उसके साथ साथ उन्होंने सावित्री बाई फूले की जयंती मनाना शुरू की। ये पहले बार रजनी तिलक ने किया था, उससे पहले इस तरह का हमारे यहाँ रुझान कभी नहीं रहा कि सावित्री बाई फूले की जन्मदिन मनाया जाए। तो निरंतर सावित्री बाई फूले की जयंतियां मनाना और हर मंच पर वो जहां भी जाती वहां सावित्री बाई फूले का उल्लेख करना, सावित्री बाई फूले के बारे में बताना, तो इससे लोगों में सावित्री बाई फूले के बारे में जानने की जिज्ञासाएं हुई। और उसका ये हुआ कि धीरे धीरे जो फिर और युवतियां थी, महिलाएं थी, उनको विशेष रूप से उनसे मिल करके उनको सावित्री बाई फूले के बारे में उनको बताना, तो ये रजनी तिलक काम करती थी। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, उनका एक बहुत कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं इसको। इसके अलावा वो एक एक्टिविस्ट तो थी ही, और एक्टिविस्ट इतनी कि वो लगभग हर आंदोलनों में, चाहे धरना, प्रदर्शन या कहीं कोई संगोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, कहीं कोई जुलूस, जहाँ कहीं भी कोई होता, वो अधिकांश जगह वो उपस्थित रहती। और ना केवल उपस्थित रहती, हाथ में झंडा लेकर के नारे लगाती हुई, जमीन पे बैठी हुई, पैदल चलती हुई, कहीं रेल से, कहीं बस से सफर करती हुई और कहीं मंच से भाषण देती हुई। तो वो हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराती थी और अपनी उपस्थिति से, अपनी आवाज के माध्यम से वो स्त्री अधिकार के सवालों को बहुत बेहतरीन तरीके से उठाती थी और उसका माध्यम वो सावित्री बाई फूले को बनाती थी कि सावित्री बाई फूले ने जिस तरह से महिलाओं को शिक्षित होने का काम किया, जो जागरूक होने का काम किया और जो आधी दुनिया वो हमेशा मानती थी कि स्त्री आधी दुनिया है, कि उस आधी दुनिया को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यहाँ तक कि जो कई बार जो संगोष्ठियों में या सेमिनारों में जब कभी वो देखती थी कि केवल मंचों पर या वक्ताओं में पुरुष ही हैं, महिलाएं नहीं हैं, तो इस पर वो आपत्ति करती थी और वो कहती थी कि इस पर महिलाओं की समुचित भागीदारी क्यों नहीं है। ये एक बड़े वाजिब से सवाल है, उससे कई बार ये होता था कि लोगों में इस पर के फिर सजगता आती थी और सजगता का ही परिणाम ये हुआ कि आने वाले संगोष्ठियों में, सेमिनारों में वो महिलाओं को शामिल किया जाता था। इस तरह करके एक एक्टिविस्ट के साथ साथ वो एक अच्छी लेखिका भी थी। शुरुआती दौर में वो
कविताएं लिखती थी, और उनकी कविताओं का पहला जो पुस्तक आई, पहला संकलन आया पदचाप नाम से, वो 1998-1999 के आसपास आया था। तो वो पदचाप की कविताएं हमारे यहाँ हिंदी दलित साहित्य लेखन में वो एक नया स्वर था, एक नया तेवर था, कि उस उन कविताओं में अंबेडकरवादी चेतना तो थी ही, साथ में स्त्री अधिकारों के सवालों को वो उठा रही थी। जैसे उनकी एक कविता में कहती है कि मैं करोड़ों पदचाप हूँ, वो अपने बारे में एक स्त्री के बारे में कह रही है कि मैं करोड़ों पदचाप हूँ, आधी दुनिया की आवाज हूँ। तो वो सवाल उठाती थी कि स्त्री आधी दुनिया है, लेकिन उस आधी दुनिया को उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, और उसको एक तरह से उपेक्षित है वो, जैसे दलित है समाज में हाशिए पर है, ऐसी स्त्री अपने परिवार में और समाज में वो हाशिए पर है, उसको अनदेखा नहीं कर सकते, और उसको अनदेखा करके आगे बढ़ेंगे तो हम प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए वो उस आधी दुनिया की आवाज़ को बड़ा पैर उठाती थी। बाद में आकर के रजनी तिलक ने कहानियाँ भी लिखी, और उनकी पहली कहानी जो थी वो थी बेस्ट ऑफ करवा चौथ, यानी जो करवा चौथ का व्रत स्त्रियाँ रखती हैं करवा चौथ पे, और करवा किस तरह से वो अपने पतियों की, वो अपने लंबी दीर्घायु की कामनाएं करती हैं, उसी ताने बाने को लेकर के वो उन्होंने वो कहानी एक उस तरह के एक व्यंग भी करती है समाज पर, उस तो उन चीज़ों को लेकर के उन्होंने वो कहानी वो लिखी। और भी उसके बाद में उनकी कहानियाँ उनकी आई और लिखी उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। तो रजनी का एक बहुआयामी व्यक्तित्व हम देखते हैं, एक तो जमीनी लेवल पर एक वो कार्यकर्ता जो झंडे उठा के चल रहा है, नारे लगा रहा है, एक वो रूप कि जो एक लेखिका का है, जो वो कविताएं लिख रही है, कहानी लिख रही है, आत्मकथा लिख रही है, एक तीसरा रूप कि वो एक अच्छी वक्ता है, प्रभावी वक्ता है, और अपने वक्तव्यों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से वो समाज में चेतना का प्रसार कर रही है, और तीसरी चीज कि वो एक जिस तरह से वो अपना एनजीओ से जुड़ी, और एनजीओ से जुड़ने के बाद उसने काम किया, और वो अलग अलग महिलाओं के कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, कहीं दूसरा उन जाके उनको जागृत करना, उनको अपने अधिकारों के लिए उनको, और उसके साथ साथ उन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको प्रेरित करना, उन्होंने बहुत सारी स्त्रियों को, बहुत सारी एक नई उम्र की लड़कियों को जहाँ तक उनका संपर्क हुआ उनके साथ साधना, संपर्क साधना, उनसे जुड़ना, और उनको अपने पास तक लाना, और बहुत सारे जो शिक्षित जो हमारे यहाँ जो युवतियाँ थी, शोध छात्राएँ थी, तो उनके साथ जो यदि वो संपर्क होता था उनको आकर के जो अच्छा डॉक्यूमेंटेशन वो रखती थी अपनी किताबों का पास में अपने, तो उसका उपयोग उनको करने के लिए, भाई इनको पढ़ना, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको गाइड करना, उनको किताबें अपनी देना, ये सब चीज़ें। और उसमें सबके साथ एक बड़ी खूबी रजनी तिलक की ये भी थी कि वो अपनी बात खुलकर कहती थी हर किसी से, वो संकोच नहीं होता था कोई व्यक्ति कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितने ओहदे पर है, लेकिन उन्हें जो लगता था ये गलत है तो वो उसको वहीं टोकती थी, उसका प्रतिकार करती थी, एक भरी सभा में एक बड़े से आदमी के साथ में वो बड़े से बड़ी व्यक्तित्व से वो खुल करके भरी सभा में वो सवाल कर लेती थी। ये उसमें ये रजनी में खूबी थी, वो टकराना और किसी के साथ भी असहमति को खुलकर व्यक्त कर देना, और किस मन में कोई मेल ना रखना, कभी किसी के साथ मित्रों में भी यदि थोड़ा बहुत कहीं अनबन हो भी जाए तो उसे मन से लगा के वो नहीं बैठती थी, बल्कि वो जब भी कभी लगता कि खुद गैप हो गया है वो खुद ही उनसे बात कर लेती थी, खुद ही फ़ोन कर लेती थी। ये एक सहजता भी थी। मैं समझता हूँ कि ये एक आंदोलन धर्मी व्यक्तित्व रजनी तिलक का था, ये बहुतों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकता था है, और ना केवल स्त्रियों के लिए बल्कि पुरुषों के लिए भी वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हम ये भी एक सीख हो सकती है कि हम एक ही तरह से नहीं, हम अलग अलग तरीके से जिस बहुत सारे क्षेत्रों में हम काम करके अलग अलग क्षेत्रों में भी हम समाज के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि रजनी तिलक को, उसके जो व्यक्तित्व को समझने के और भी बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन उनको मूल रूप से उसको इस तरह से हम समझने की कोशिश करें कि रजनी तिलक का होना एक 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 सशक्त महिला की आवाज़ का होना था, एक निर्भीक महिला की आवाज़ का होना था। तो रजनी अब नहीं है तो वो आवाज़ कहीं ना कहीं वो ठंडी और चुप दिखाई देती है, ये चुप्पी अखरती है। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।